सबसे पहले हम पाइवट टेबल क्यों यूज करते हैं? हमारे पास जो भी डेटा आता है डेटा एनालिसिस में, डेटा की समरी बनाने के लिए हम पाइवट टेबल यूज करते हैं। किसी भी तरह की समरी बनानी है, जैसे हमारे पास कोई सेल्स का डेटा, ऑल इंडिया सेल्स का डेटा है, उसको स्टेट वाइज दिखाना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिखाना है, या एक टीम वाइज दिखाना है। तो इस तरह से जो हम डेटा समराइज करते हैं उसको पाइवट टेबल के जरिए किया जाता है। एक सिटी और ऐड कर देता हूँ डेटा में। अब जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरी जो सिटी है, ये सिटी है, इनमें मेरी सेल्स क्या हुई है, तरह से मुझे डेटा दिखाना है पूरा। कोई भी डेटा की समरी बनाने के लिए पहले उसको रफ ड्रॉ करें, रफ कॉन्सेप्ट के थ्रू, कि हमें किस तरह की समरी चाहिए, उसके बाद पाइवट टेबल पे जाएं। हालांकि ये शुरुआती एक्सरसाइज है, जो अगर आपने पाइवट टेबल बिल्कुल ही यूज नहीं किया है तो आप ये स्टेप करें। अब यहाँ पे जो डेटा आएगा मेरा, तो मैं पाइवट टेबल के जरिए रिपोर्ट्स वगैरह बना सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सारा डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल पहला जो ये कॉलम है इसमें रेंज, अगर हमारा सिलेक्शन पहले से होगा तो ये हमें यहाँ पे दिखा देगा, डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर नहीं सिलेक्ट किया आपने तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ये डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके करेंगे, एक दूसरी शीट बन जाती है हमारे सामने, शीट 4, जिसमें उस टेबल के हेडर्स जो है वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने सैंपल दिखाया कि मेरे को सिटी में कितनी सेल्स है, हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, रो कॉलम और पेज फील्ड, बाकी जिस डेटा में कैलकुलेशन होना है वो यहाँ पे आता है, ड्रॉप डेटा आइटम। एक स्टेप तो है कि आप डायरेक्ट ले जाके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पुट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको यहाँ से क्लिक करें। जैसे मुझे सिटी वाइज सेल्स का डेटा चाहिए, जब मैं क्लिक करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये रो में ही जाएगा, पर अगर मान लीजिए यहाँ आ जाता है कॉलम वगैरह में, आप इसको इधर सेट कर सकते हैं। दूसरा था मेरा सेल्स, यहाँ पे जो पी था सम ऑफ सेल इधर दिखा रहा प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाइज दिखा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हम कैसे किस तरह से यहाँ पे अपने फील्ड्स को यूज करें, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या लॉजिक लगाएं उसके लिए। जिस पेज पे हमें रिपोर्ट चाहिए होती है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है और रो में आता है, ठीक है जी। जैसे सिटी वाइज चाहिए थे, मैंने सिटी को रो में पुट कर दिया। पर एक एक लॉजिक ये भी हो सकता है, मैंने कहा मुझे हर एक पर्सन की हर एक सिटी में सेल चाहिए, तो मैंने नेम को उठा के रो में फिट कर दिया और सिटी को उठा के यहाँ फिट कर दिया। अब
ये डेटा जो हमारे पास पर्सन नेम जो है अभी कम दिखा है, अभी कम है हमारे पास, पर अगर एक बड़ी टीम हो तो यहाँ पे ये फॉर्मेट चलेगा। पर मान लीजिए कि बंदे कम है और सिटीज ज्यादा हैं, तो जो कम वाली जिसमें कम वैल्यूज होती हैं, कम यूनिक वैल्यूज होती हैं, हम मोस्टली उसे कॉलम में डालते हैं, और जिसमें ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम रो में डालते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय की सेल यहाँ पे दिखा रहा है सिटी वाइज इस तरह से। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी हमारी वो रो में जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी जो होगी हमारी वो कॉलम में जाएगी, बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो हमारी कैलकुलेशन के लिए होती हैं, वैल्यू में जाती हैं। मान लीजिए मैं दोनों को उसमें दिखाता हूं, नेम वाइज सिटी वाइज। पहले से इसको मैं इसके एक्चुअल लेआउट पे आता हूँ, ले आता हूँ जो मैंने कस्टमाइज कर रखा है, क्योंकि ये आपके सामने इस तरह से नहीं आएगा। ये जो मेरे पास डेटा दिखा रहा है ये क्लासिक लेआउट में दिखा रहा है, आपके सामने क्या आता है कि ये डेटा कुछ इस तरह से आता है। आप अपने पास करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा और इसी के ऊपर ही यहाँ पे इस तरह से आएगा ये डेटा प्लस के साइन के साथ, तो बस खाली व्यू का डिफरेंस है, इसमें व्यू चेंज नहीं हो रहा। तो
चलिए मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे मैं डेटा समराइज किया है, मैंने हर एक एम्प्लॉय का सिटी वाइज समराइजेशन किया है, यहाँ पे हर एक बंदे का टोटल दिखा रहा है। अब मुझे एक साथ देखना है कि टोटल किसका कितना है। अब पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंड एंटायर फील्ड है एंड कोलैप्स एंटायर फील्ड है, दो प्लस माइनस के साइन है। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, माइनस के, ये सारी फील्ड आपको एक साथ इनका टोटल दिखाने लगेगा। अगर एक आपको देखना है एक कितना है, आप यहाँ से प्लस पे क्लिक कर सकते हैं एक साथ ओपन करने के लिए इनको, यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। जो व्यू मेरे सामने है ये क्लासिक पाइवट टेबल का है। अगर आपको इस पे इसके व्यू पे इस तरह से लाना है मेरी स्क्रीन पे जैसे आ रहा है, हमारी 2003 में जो हमारी पाइवट टेबल आती थी वो इस तरह से दिखाती थी, तो इस ऐसे व्यू को अगर आपको लाना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट पे आ जाएंगे। क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट में हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, मेरे जिस तरह से मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इस तरह से आपके पास आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इस तरह के डेटा में मैं अपनी रिपोर्ट वगैरह आराम से प्रिंट वगैरह कर सकता हूँ, या इससे के जरिए और कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए ये फॉर्मेट यूजफुल रहता है। पर जब इसमें ये फील्ड हमारी यहाँ पे होती है तो हमें थोड़ा सा दिक्कत आती है इसको डेटा की फॉर्म में तैयार करने में। ठीक है जी, तो उसमें क्लासिक टेबल लेआउट हमारा यूजफुल रहता है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि हम जब भी डेटा बनाएं वो क्लासिक लेआउट में लें। एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के ऊपर है आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर यहीं खत्म हो जाती है, खाली प्रिंट इसी का लेना है तो ठीक, इससे कोई और रिपोर्ट फॉर्म करनी है तो उसमें ये फॉर्मेट सही रहता है, क्योंकि डेटा जब तक डेटा की फॉर्म में ना हो तब तक उससे कोई चीज तैयार नहीं की जा तो सर सकती। जैसे ये है हम इसको इसमें, दूसरी, हाँ जी जैसे ये बोलिए सर, बोलिए। डेटा है मेरे पास, इसमें हर एक मेरे पास फील्ड अलग अलग है, नेम, प्रोडक्ट, सिटी, क्वांटिटी, सेल्स, हर एक के लिए एक सेपरेट कॉलम है। पर वो हमारे पुरा इसमें क्या होता है, इसके अदर अदर देन क्लासिक पाइवट लेआउट में क्या होता है कि नेम और सिटी एक ही कॉलम में आ जाती है। इसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है पर उसका सलूशन ये है कि क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब मुझे यहाँ पे ना ये सब टोटल नहीं चाहिए, ये सब टोटल है जैसे सुशील, इसका टोटल नहीं चाहिए। इस पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे सब टोटल पे चेक हो रखा है, इसको हटा दीजिए तो आपको किसी का भी यहाँ पे टोटल नहीं दिखाएगा। ठीक है, ग्रैंड टोटल आ रहा है। सपोज आपको मैंने एक और कैलकुलेशन फील्ड ऐड कर दिया, क्वांटिटी भी ले गया यहाँ पे, दो फील्ड्स हो गई मेरे पास यहाँ पे, इन दोनों का सम चाहिए मुझे यहाँ पे इनके बराबर में इस जगह पे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन, डिस्प्ले में जो है इसमें
टूल्स एंड फिल्टर्स पे जाएंगे, शो ग्रैंड टोटल फॉर रो एंड शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। इसमें ऑप्शन नहीं काम कर रहे, क्या चक्कर है? चेक लगा हुआ है, क्लासिक में जा भी नहीं रहा है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है मेरे, इसके ऑप्शंस नहीं काम कर रहे कोई से भी। यहाँ कुछ एरर है मुझे लगता है। ओके, उसकी सेटिंग चली गई है। ट्राई करते हैं, जनरल में आपको बता रहा था। इसमें इस तरह से डेटा आ जाता है एक ही कॉलम में। तो मैं बोल अनातुल हक की गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अभी कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जो मैं आपको जैसा कि मैं दिखाना चाह रहा था इसमें, कि आपका जो ये जब हम कोलैप्स पर कर देते हैं इस तरह से, मेरे को जैसे हर एक का टोटल मिल गया। अब यहाँ पे मुझे ना एडिशनल कॉलम नहीं झेलना पड़ रहा, इसका ये फायदा होता है। जैसे उसमें मेरे पास इसका एक एडिशनल कॉलम आता था क्लासिक लेआउट पे जब मैं जाता था,
तो ये एडिशनल कॉलम होता है। मान लीजिए मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, तो ये कॉलम थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इस चीज में हमारे ये यहाँ पे हमारा ये चीज थोड़ा सा फायदा करता है। फिर पंगा है यार। आपके में ये जो सेटिंग्स हैं खाली यही पाइवट टेबल ऑप्शन से हो जाएंगे। मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, इस कारण ये इधर से नहीं हो रहा। नॉर्मली इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए एक दिक्कत तो इसकी दूर हुई, बाकी दूसरी का भी जुगाड़ कर देता। अब ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ रहा है मेरा, मैं चाहता हूँ कि इस तरफ ना आए, या ये ग्रैंड टोटल यहाँ रोज का ग्रैंड टोटल और कॉलम का ग्रैंड टोटल जब हमें हटाना या लगाना होता है, तो पाइवट टेबल ऑप्शन में हमारे पास हम पे टूल्स एंड फिल्टर में ये ऑप्शन होते हैं। रो का नहीं चाहिए तो वहां से नहीं आएगा। टूल्स एंड फिल्टर्स, कॉलम का नहीं चाहिए तो कॉलम में नहीं आएगा, प्लेन डेटा की तरह आपके पास। ठीक है, दूसरा अपने क्लासिक ऑप्शन पे आते हैं। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से डेटा है, मैंने इसको क्या किया, फॉर्मेट कर दिया थोड़ा सा। अब उसमें एक दिक्कत है कि ये चीज मेरे को क्लियर नहीं हो रही है, ये पलवल जो है इसका है कि सबका है। ये भी मान लीजिए मैं हटा दिया सब टोटल। तो ये मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि ये पलवल जो है ये सिटी किसका है, इन सब का है या खाली इसी का है, ऐसा ही सब का है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में आपके पास लेआउट फॉर्मेट में मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल का ऑप्शन होता है। ऑटोमेटिक इसमें मर्ज हो जाता है, मैनुअल मर्ज वगैरह करने की जरूरत नहीं। आपको डेटा को सॉर्ट करना है, बस आप इस पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन में जाइए, ये सॉर्टिंग के ऑप्शन है, ए टू जेड, जेड टू ए,
या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा भी चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, दूसरा वैल्यू, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं, वैल्यू फील्ड में अभी मैं मेरे सामने क्या दिखा रहा है, ये सेल्स का सम दिखा रहा है। अगर इसकी सेटिंग चेंज करनी आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे काउंट दिखा सकते हैं, कितनी बार आया, एवरेज दिखा सकते हैं, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, वो काउंट दिखाते हैं। जैसे कहीं पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कैलकुलेशन नहीं होती वहां, मैं ये कहता हूँ कि ये जो सिटी की सेल है उसमें कितने बंदे एक्टिव हैं, एक सिटी में कितने बंदे एक्टिव हैं, या एक बंदा कितनी सिटी में एक्टिव है, इस तरह से डेटा देना है। तो नेम को उठा के इधर कर लेता हूँ, टेक्स्ट में काउंटिंग होती है कि किस बंदे की कितनी बार रिपीटेशन हुई है पलवल में। आपको डिटेल देखनी है इसमें कि जैसे पलवल में 23 बंदे दिखा रहा है, 23 कौन से हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये डेटा आपके सामने, वो जो डेटा बेस डेटा था हमारे पास उसका सिर्फ उतना, जिससे वो 23 का रिजल्ट आया है वो डेटा हमारे पास आ जाता है एक अलग शीट में। नेम को वापस ले जाता हूँ, सेल्स को इधर लगा देता हूँ। अब सेल्स है, अकेले पलवल सिटी की देखनी है या प्रदीप की, अकेले इसमें प्रदीप का डेटा आ गया मेरे पास। रो का टोटल लगा लेता हूँ मैं एक बार फिर से ग्रैंड टोटल्स और रो, इसके लिए सब टोटल कर देता हूँ। सिटी, सिटी का एक देखना है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ आ जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो डेटा एक्सट्रैक्शन है ये ना हो, ये होता किस वजह से है। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे आपके पास, यहाँ डेटा के ऑप्शन में जाएंगे, इनेबल शो डिटेल, अगर ये चेक होगा तभी वो डिटेल आएगी, आप इसको अनचेक कर दें। अब इस पे क्लिक करते हैं, एरर देगा। इस डेटा को मैं एक अलग शीट पे कॉपी कर लेता हूं। अब इस शीट को डिलीट कर देता हूं, मैं मेन डेटा को डिलीट कर दिया मैंने, हमारे पास खाली बची पाइवट टेबल, पर अभी भी डेटा आ रहा है मेरा, जो मैनिपुलेशन है मैं इसमें कर सकता हूं। मान लीजिए हम किसी को खाली रिपोर्ट देना चाह रहे हैं और डेटा नहीं देना चाह रहे हैं, उस केस में आप बस खाली पाइवट टेबल उठा के मेल कर दीजिए। ये ऐसा किस लिए होता है, यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन में डेटा में ये ऑप्शन हमारा चेक है, सेव सोर्स डेटा विद फाइल, अगर आप इसको अनचेक करके किसी पे भेज देते हैं तो आई डोंट, अगर उसमें कोई, इसको अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब कोई चेंज नहीं होता, वो सोर्स फाइल जो होती है हमारी वो इसी में एम्बेड हो जाती है। अगर हम इसको पहले कर दें तो ये चीज, मतलब कोई भी हमारी अपडेशन वगैरह इसमें नहीं होगी, सोर्स फाइल वो वहां से हट जाती है, वो फाइल सोर्स फाइल को नहीं सेव करेगा। इनेबल करके देखता हूँ इसको, थोड़ा सा वैलिड करने के लिए। हाँ
दोनों ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। डेटा का किया था ऑप्शन, क्या आज चीज? एक सोर्स डेटा फाइल आपने अनचेक किया था। जब आप सेव सोर्स डेटा फाइल अनचेक कर रहे हैं, अगर तब हम पाइवट टेबल को क्वेरी और तरह से मोड करना चाहते हैं तब वो होगा। ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि इसके रैम में जो था ना स्टोरेज ले चुका था पहले ही। अगर मैं इसको अलग शीट में कर दूं तो मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होगी इसकी। ये ऑप्शन इसको डिलीट करके देख लेते हैं, ये होता ऑप्शन इसीलिए है, बाकी ट्राई कर लेते हैं एक बार और। यहाँ से मैं ये दोनों बंद कर देता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ पहले। को यहां से मूव कर लेता हूं। इसको अलग नाम से सेव कर ले। क्लोज कर, ये देखिए अब मेरा कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा ना। आपने डेटा जिस फॉर्म में भेजा है वो उसमें ही रहेगा, क्लियर है? फॉर दैट मुझे सबसे पहले अनचेक करना होगा सोर्स डेटा को हाँ जी हाँ पाइवट जी। टेबल बनाने से पहले। नहीं नहीं, बना के जब आप उसको अगर सेव करें ना किसी फाइल में सेव कर लें और फिर हाँ उसको जब मूव कराते हैं, या मतलब एक बार सेव हो जाए तो वो सोर्स फाइल डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहली बार वो इसलिए चलता है क्योंकि कोई भी जो सेव करने से पहले की प्रोसेसिंग होती है वो हमारी रैम में सेव हो जाती है, कंप्यूटर के रैम में सेव, डायनेमिक मेमोरी में सेव हो जाती है। इस कारण वो वर्किंग में था, पर जब मैंने इसको सेव करके हार्ड डिस्क पे ले लिया और दोबारा ओपन किया तो रैम में तो कोई डेटा बचा नहीं, डायनेमिक मेमोरी है वर्किंग में ही ऑन रहती है, तो वहां से क्लियर हो गया। अब जैसे ही ऑन किया तो सारे ऑप्शन हमारे डिसेबल हो गए। इन केस अगर मेरे पास डेटा तीन अलग अलग शीट में, आपके पास पूरा डेटा एक ही शीट पर था, अब जैसे मेरे ऑफिस में तीन अलग अलग टीम्स हैं, मुझे तीनों टीम्स के एग्जीक्यूटिव्स का डेटा इसी तरह से देना है, तब वो कैसे होगा? मुझे एक ही पर देना होगा या मैं अलग अलग शीट से भी कर सकती हूँ एक साथ? उन तीनों के जो ऑप्शन होंगे ना, जैसे हम क्या करते हैं वापस उस पर चलते हैं जिसमें हमारी डेफिनेशन से है। इस पे बुक वन में है, अभी तो ये भी डिसेबल हो गया मेरा, सेव करते ही इसके सोर्स भी उड़ गए हैं। डिलीट करके मैं दोबारा बना लेता हूँ। एक ही हो गई मेरी सिटी वाइज,
एक मैं यहाँ बना लेता हूँ। आपने एक से ही पाइवट बनाती हैं किससे बनाती हैं? सॉरी हाँ कह रहा हूँ कि आप एक ही टेबल से पाइवट बनाती हैं या किसी उससे बनाती हैं? मैं कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी तो आप मैं नॉर्मल प्रोसेसर से ही लेती हूँ, पाइवट अच्छा टेबल मुझे आता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे ही सीख रही हूँ। पाइवट टेबल नहीं आता है। तो अभी तो मैं नॉर्मल जो अपने फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उसी से रिपोर्ट बनाकर देती हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है शिखा जी ये कह रही हैं कि उनके पास तीन अलग अलग फाइल में तीन अलग अलग डेटा है, हाँ उन्हें एक जगह उसका प्राइवेट टेबल बनाना है, तो मेरे ख्याल से पूरे डेटा मैं को पहले तो एक शीट पे लाना पड़ेगा आई सपोज। अच्छा यही कह रही है शिखा जी। आप ऐसा कुछ कह रहे हैं हाँ शिखा जी जी? मैं यही बता रही हूँ। हाँ 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 जी हाँ अच्छा, जी प्राइवेट टेबल लगाने के लिए तो वो, हाँ वो हाँ आपको जी एक मेरे ही पास शीट, तीन अलग अलग शीट्स हैं। वो आपको ना जैसे ये डेटा है यहाँ से यहाँ तक, मेरा आधा डेटा यहाँ तक तो एक शीट में है, फिर उसके बाद का दूसरी शीट में है, हाँ जी तो डेटा पाइवट के लिए एक ही में अच्छा लाना पड़ेगा आपको पाइवट लगाने के लिए। क्योंकि इसमें जो मेरे को ये लग रहा है शिखा जी ऑप्शन, ये कह रही कि उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, मतलब अगर वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं डेट फाइल, अगर मैच कर रहे हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी आए, अब अब एग्जैक्टली कि ऐसा टीम कुछ। वाइज मैं अलग अलग तीनों रिपोर्ट्स देख सकूं एक ही प्राइवेट में, मैं तीनों आपके, टीम्स का अलग अलग मैं बता सकती। अब देखिए मैंने ये डेटा को ले लिया दो मतलब आप ये दो, कह रहे हैं एक संदीप की टीम है, एक शिखा की टीम है, एक सुनील की टीम है, राइट? अच्छा ऐसे, हाँ राइट तो वो आपको और डेटा, तीनों का और उनके डेटा अलग अंदर अलग पंद्रह जगह से बीस बीस आता है, एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो वो आपको पहले तो एक जगह रहना पड़ेगा, एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए वो डेटा। दूसरा क्या कहते हैं कि इसमें जो है आप जो कह रही हैं वो ऑप्शन है, अवेलेबल है, पर पूरी तरह से वर्किंग में नहीं है वो, बहुत छोटे डेटा पे वो चीज कर सकते हैं पर जिस बहुत बड़े डेटा पे नहीं कर सकते, मतलब जिसमें हेडर्स वेडर्स ज्यादा हो उसमें हम ये कम कर सकते हैं। होता कहाँ पे है वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये मेरे पास दो शीट में डेटा है, ठीक है जी, एक ही फॉर्मेट में डेटा है। हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट करके पाइवट टेबल है, दूसरा क्या है क्लासिक, हम 2003 की यूज करते हैं, उसमें कंसोलिडेशन का ऑप्शन है। इसमें तो अगर आप इंसर्ट करते हैं ना तो ये, इसमें कंसोलिडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, पर मेरे ख्याल से अगर हम Alt D P शॉर्टकट है तो इसका देखिए डायलॉग बॉक्स अलग से आया है, इसमें मल्टीपल कंसोलिडेटेड और रे, सर Alt D P लिख देता हूं, ये 2003 में ये ऑप्शन हुआ करता था हमारा, वो इसका सपोर्ट इन्होंने 2007 में भी दिया हुआ है। इसमें मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज के नाम से एक ऑप्शन है, पर लेट्स सी कि एक इतने इस डेटा को कर पाता है कि नहीं, जहां तक मैंने इसको ट्राई किया ये ज्यादा बड़े डेटा पे सक्सेस नहीं होता, गड़बड़ कर देता है। क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड फॉर मी नेक्स्ट। अब मैं डेटा इसमें ना क्या करूंगा, ऐड कराऊंगा, जैसे ये एक रेंज मैंने ऐड करा दी यहाँ पे, अब दूसरी रेंज में यहाँ पे जाके ऐड कराऊंगा, ठीक है जी, ऐड करा दी। नेक्स्ट, न्यू वर्कशीट पे ले लेता हूँ, फिनिश। यहाँ गड़बड़ क्या कर देता है, रो कॉलम वैल्यू पेज, और दिखाए ना दिखाए इसके मूड की बात है, आपको अदर ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ये पेज वन का, पेज टू का। बट इसमें इससे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, हाँ ये ना सिंगल जगह पे आपके जो कैलकुलेशन कैलकुलेटेड मतलब एंटिटी जो होती है वो सिंगल होनी चाहिए। जैसे इसमें मेरे इट पास मीन्स शिखा क्या, जी यू वुड हैव टू टेक ऑल दिस डेटा इन वन शीट एंड देन यू कैन मेक दैट।
बट वहां पर मेरा अलग अलग टीम तो नहीं दिखाएगा ना। इफ आई वॉन्ट टू शो नहीं दैट आप अगर कि ये शिखा की टीम, दिस इज सुनील्स वो टीम, तो इसका इतना इतना सेल हुआ, इन दैट हाँ केस वो अलग अलग कैसे डेफिनेटली शो करेगा? एग्जीक्यूटिव तो ये सारा मिक्स हो जाएगा ना। नहीं, एग्जीक्यूटिव भी तो अलग अलग होगा, यूनिक होगा। ऐसा उसके नेम्स भी सेम है, ऐसा होता है नहीं ना। कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसा के है तो कि फिर जो वो शिखा की बीच में टीम मिक्स आ में, जाएगा ना। मैं टीम वाइज कैसे बताऊंगी कि इस नहीं टीम नहीं का नहीं इतना सेल एक था? मिनट, एक मिनट शिखा जी, टीम वाइज सेल्स के लिए वैसे तो उसके लिए मैं कॉलम ना क्रिएट करें, एक कॉलम ओके क्रिएट कर लीजिए, ये सुनील की टीम है, मतलब उसमें वो ऑप्शन आ जाएगा, ये सुनील की टीम है, ये आप शिखा की टीम है, और ये संदीप की टीम है। जैसे टीम मैनेजर हो गया, ठीक है हाँ जी जी, एग्जीक्यूटिव हो गया, इस तरह से डेटा और सेल्स हो गया है जी। टीम मैनेजर, ये आपको बेनिफिट, हाँ इस तरह से, हाँ सुनील, शिखा और संदीप, जो भी है व्हाटएवर। ये मतलब आपके ये हो गए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स आ जाएंगे इनके। फिर नेक्स्ट जो हो जाएगा इनका, एक्चुअली जो हमारा डेटाबेस का जो, एग्जीक्यूटिव के सामने मैं टीम मैनेजर का नाम लिखूँ? हाँ मतलब बिल्कुल। आपको कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे अलग से। हाँ आपको ना अब देखो, 500 का डेटा मैं कैसे करूंगी? नहीं, कॉलम नहीं क्रिएट करना होगा उसमें, या तो आप सॉर्टिंग कर दीजिए, एक ही बार करना पड़ेगा ना क्रिएट। आपको एक कॉलम ओके एक हाँ फाइल मेरे में पास क्रिएट अलग करना, अलग शीट आपको है तो देन आई पता ही कैन है, डू। ओके ओके हाँ डेफिनेटली आपको तो पता है ना कि ये शिखा का है, ये सुनील का है, सिंपल। राइट नाउ इट्स फाइन, बट इन फ्यूचर इन आई विल चेंज द जॉब, वहां पर बहुत सारा डेटा आ जाता है इन दैट केस। अभी तो चलो मेरा को मिल गया सॉल्यूशन। मैम जब आप उस सिचुएशन में पड़ोगे, देन यू वुड हैव अनदर थिंग टू डू, आप कुछ ना कुछ उसका रास्ता जरूर सीखने के लिए अभी बैठे हैं ना निकाल सर, सीखने लेंगे। क्लास कर नहीं लें नहीं वो थोड़ा बात सा, ठीक है, बट इफ यू आर वरीड अबाउट, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा क्लास फ्यूचर कर के लिए लें। वरीड है तभी तो अभी सीख रहे हैं। हाँ जी कह रहा क्लास की तरफ ध्यान दे थोड़ा सा। अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए, पहली चीज तो आपकी जो डाउट वाली वैल्यू जो आप कह रही हैं, टीम मैनेजर और ये सब कैसे करेंगे, अभी अभी तक आपके पास डेटा में किस तरह से आ रहा है? इस तरह से आ रहा है, पाइवट टेबल मैंने बनाया नहीं, यहाँ पर मुझे इनशॉट मिल गया। मैं अलग अलग इंडिविजुअल बना रही थी रिपोर्ट, अभी तक मेरे पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, मैं ये बट कह आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस मंथ मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, जो आप डेटा बना रही हैं उसमें आपको कैसे पता पड़ता है कि ये बंदा इसके अंदर काम कर रहा है? कोई फॉर्मेट तो होगा आपका, इस तरह से होगा, मान लीजिए आपने एक ही मेरे बार पास लिया। हाँ तीन अलग अलग शीट हैं तीनों टीम लीडर्स हाँ, की, टीम लीडर्स के वहां अंदर, पर मैंने अभी टीम मिक्स नहीं किया है। लीडर्स की, तो आप टीम लीडर्स का ना आप हाँ जी एम्प्लॉय डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे सारे एम्प्लॉय डाल दीजिए, जैसे ओके 1 से 10 तक जितने भी एम्प्लॉय हैं आपने डाल दीजिए। एक तो साला ये मेरा काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड क्या करूं। एक ये ड्रैगिंग कीबोर्ड से हम कैसे करेंगे? ड्रैगिंग कीबोर्ड्स के जरिए संभव नहीं है, पर आपको अगर करनी है तो मैंने आपको फिल का ऑप्शन बताया था सीरीज में जाके। हाँ ओके दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है जी, तो आप ना इसमें जो टीम मैनेजर है ना, आपके पास बंदों के नाम तो है ही, टीम मैनेजर को बस उठा के हाँ जी ड्रैग कर लीजिए वहां तक, ठीक है जी। ओके एक आपका ये हो गया, दूसरा टीम मैनेजर भी इसी तरह से बना लीजिए, तो ये आपका मास्टर डेटा हो जाएगा, जिसको मैं मास्टर क्रिएशन बोलता हूँ। हर एक चीज का ना हमारे पास एक मास्टर होना चाहिए। अब कौन सा बंदा किसका है ये कैसे पता पड़ेगा, इसमें मैं ये टीम मैनेजर के नेम्स ये जो है ना आपको यूनिक करने हैं, तो इसके लिए तो हमारे पास पाइवट टेबल है ही, है ना। यहाँ पे टीम मैनेजर कितने, ये दिखा दिया, आप यहां से कॉपी कर लीजिए इस डेटा को, कहीं भी पेस्ट मार लीजिए, ठीक है जी। उसके अंदर बंदे कितने,
इसको उठा के यहाँ पे लिख दी। रिपोर्ट ना भी बनानी हो तो भी ये हमारे पास काम का आ जाता है जी। इकट्ठे बंदे कितने हैं? टीम मैनेजर को उड़ाओ ये रे इकट्ठे। तो मतलब आप लिंक्ड डेटा बनाना चाहती हैं, अनलिंक्ड अनमैच्ड डेटा बनाना चाहती हैं उसके लिए, और बाकी जो उनका कोलाबरेशन है एक और प्रोसीजर है। आपके जो बंदे हैं वो आप कह रही हैं कि नाम सेम है उनके, एक आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो उनको क्या कहते हैं उनके एम्प्लॉय कोड से पहचाने, ठीक है, और नहीं तो आप ऐसा करिए इसको उठा के और इसको उठा के दोनों को कंकेटिनेट कर दीजिए। अब ये यूनिक है हाँ। तो हम इसके बेस पे भी डी लुकअप से सर्च कर सकते हैं फॉर्मूला से। अब जैसे हमारा इसमें रिपीटेशन भी हो रहा है पर हमारे पास अभी भी यूनिकनेस बनी हुई है, ठीक है जी। अब हम इन दोनों के बेस पे अब हमें इसको पहचानना है। ये तो मैंने वैल्यू करके अपने पास अलग डेटा में रख लिया, यहाँ पे कहाँ गया यार, यहां से करके इधर रख लिया, यहां दिखा क्यों नहीं रहा? अच्छा दिखा रहा है पर क्या किया, यहाँ लगा हुआ है फॉर्मूला पेस्ट एज वैल्यू, यहां तो मैंने अलग करके दिखा लिया। अब जो आपके पास मेन डेटा है, मेन डेटा में भी ये दो नाम होंगे आपके पास, ठीक है जी, वहां पे आप इन दोनों को भी ऐसे कर लीजिए, मतलब यही चीज आप वहां कर लीजिए। इसको कहते हैं हेल्पर कॉलम, ये आपके आगे आ जाएगा। अब ये डेटा से इधर से हेल्पर कॉलम के बेस पे यहां पे लगा लीजिए वी लुकअप, ठीक है जी, तो आपका बाकी डेटा भी आ जाएगा। सैंपल में करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला में जब लुकअप रेफरेंसेस करेंगे तो इन्हीं चीजों पर डिस्कशन होगी, ठीक है जी। आज का टॉपिक जो था हमारा पाइवट टेबल था, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी तो आज इसके पाइवट टेबल के थोड़े से जनरल ऑप्शन थे, कल एडवांस ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। तो आज का सेशन एंड करते हैं। संदीप जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हेलो संदीप जी। हाँ जी सर बताइए। हाँ जी बताइए। पूछे एक्सेल, मुझे मुझे ये पूछना है कि जैसे एक्सेल के दो दो फाइल अलग अलग हैं। हाँ जी, एक्सेल के दो अलग अलग फाइल हैं, मुझे एक ही साथ विंडो पे दिखाने देखने या इस तरह से आप कह रहे हैं। हाँ, और एक और फाइल मतलब इसी तरीके से दूसरा फाइल भी देखना है मुझे। एक्चुअली एक्सेल में जो होता है ना सर, वो हमारे पास ये जो होते हैं ना अंदर फाइल होती है, एप्लीकेशन होती है। अच्छा है जी। अच्छा ओके, तो हम इसी के अंदर ही इसको दो उसमें कर सकते हैं शीट्स में। अच्छा, और दूसरी चीज बहुत ही सिंपल कॉमन सी चीज है। हाँ जी। अच्छा आपने मुझे फॉर्मूला का तो बता रहे, मुझे परसेंटेज निकालना, एक्चुअली मैं परसेंटेज निकालना था ना। हाँ जी, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन परसेंटेज निकालना था, मतलब कि जैसे किसी की 11,000 सैलरी है, ठीक है जी, उसपे उसका फिर मैंने बना के 14,000 कर दिया। 11,000 सैलरी है और उसका 14,000 कर दिया, तो कितना परसेंट हुआ इंक्रीमेंट लगा उसका, कितना परसेंट इंक्रीमेंट लगा, यही ना इंक्रीमेंट लगा। हाँ, तो बेस सैलरी कौन सी है हमारी, ये है आफ्टर इंक्रीमेंट, ये है इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट लगा हमारा इसका, तो हमें जो निकालनी है वो किसके अगेंस्ट निकालनी है, इसके अगेंस्ट, ये कितना परसेंट है जी। हाँ, हाँ जी। तो, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये और इस पे परसेंटेज, ठीक है जी। ओके ओके, क्लियर है? हाँ क्लियर है। मैं इस पे इनटू 100 करके निकाला तो भी तो 27% आ रहा था, लेकिन जो ये था ना परसेंटेज का निशान नहीं आ रहा था मेरे पास, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था।
यहाँ इसीलिए से ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, परसेंटेज दिमाग काम नहीं कर रहा था कैसे क्या करना है। आपका ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक परसेंटेज ना भी आए ना, आप ये ब्रैकेट में ले जाएं, इसको डिवाइडेड बाय अच्छा इसको, इसको ब्रैकेट में हो गया, ठीक है जी। हाँ वो तो अब मल्टीप्लाई मतलब एक करें हाँ हंड्रेड, उसको इनटू हंड्रेड तो इनटू हंड्रेड आपका इसका हाँ वो हो गया परसेंटेज अब ठीक हटा देता हूँ, है ये नंबर में ले आता, हाँ। ठीक है जी। तो यही चीज है ना, ये जो नंबर में लाया ना ये तो मैंने निकाल दिया यहाँ से, लेकिन इसी चीज को मुझे परसेंटेज में लाना था। तो परसेंटेज में जब ला रहा था ना 2724 times करके आ रहा था, परसेंटेज आ ही नहीं रहा था, हाँ जी, तो वो 100 की इसलिए जरूरत दिक्कत हो नहीं, रही हाँ थी। वो हाँ 100 की वो जरूरत नहीं, इसके सिवा मैं परसेंटेज 100 है, की जरूरत नहीं। वैसे ही लगा दीजिए। चलिए ठीक है थैंक यू, बस चलिए ठीक है ओके सर, तो आज का सेशन एंड करते हैं, ओके कल ठीक है गुड नाइट गुड नाइट, ठीक है ठीक गुड नाइट। है।